अनिल जी, एफएमसीजी समूह में खरीदना है और वो जिसके नतीजे आए हैं, गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर, शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 1320 का, 1320 का, और लॉन्ग टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 1670 का, 1670 का, काफी समय से, करीबन 3-4 सालों से ऊपर से हम फंडामेंटली विद डिस्क्लेमर रेकमेंड करते आ रहे हैं। नतीजे काफी दमदार दिखे, नेट प्रॉफिट्स भी 13.5% बढ़ते हुए दिखे, सेल्स और वॉल्यूम दोनों 7% से बढ़ोतरी दिखी, मार्जिन 120 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए दिखे, और इंडिया का वॉल्यूम ग्रोथ ड्रिवन जो है वो पर्सनल केयर सेगमेंट, फ्रेशनर, फैब्रिक केयर, हेयर कलर सेगमेंट, इनसे आया है। कंपनी उम्मीद कर रही है 2-3% प्राइस में बढ़ोतरी होगी, और साथ ही साथ रिसेंट जो लॉन्च लिक्विड डिटर्जेंट में किया है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। 900 करोड़ का केपेक्स भी है। गोदरेज सीपी, इस पे खरीदारी की राय, 1320 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1670 का 1 साल का नजरिया। ओके, गोदरेज कंज्यूमर, यहां पर नतीजों पर रिएक्शन अब आपको बढ़िया बनते हुए दिख रहा है। आइए सचिन जी की तरफ से भी एक बिगुल है बीटीएसटी।